दोस्तों, अगर आप अपनी शॉप को डिजिटल बनाना चाहते हैं तो आपको गूगल पे फॉर बिजनेस का यूज़ अपनी शॉप पर करना चाहिए। इस ऐप की मदद से आप अपने सारे पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं और अपनी शॉप से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ग्लोरी एंड आप देख रहे हैं ग्लोरी टैक, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। सो गाइस, इसके लिए हमें प्ले स्टोर से गूगल पे फॉर बिजनेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जाके भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन करना है। तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करके और यहाँ पर हमें एक बिजनेस क्रिएट करना है, तो मैं ऐड ए न्यू बिजनेस पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे हमें बिजनेस डिटेल सबमिट करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, तो यहाँ पे वो हमने देना है, शॉप नेम देना है और यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस और बिजनेस ओनर नेम। तो मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने बिजनेस डिटेल को सबमिट कर दिया है, तो मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे हमें व्हाट्स योर बिजनेस कैटेगरी, तो यहाँ पे हमें कैटेगरी देना है, ग्रोसरी है या फूड एंड रेस्टोरेंट है, जो भी है तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे बिजनेस लोकेशन डिटेल सबमिट करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट पिन कोड हमें एंटर करना है और सेकंड यहाँ पे हमें शॉप नंबर एंड स्ट्रीट नेम यहाँ पे सबमिट करना है, एरिया हमें यहाँ पे सबमिट करना है, सिटी यहाँ पे सबमिट करना है और यहाँ पे जो है स्टेट हमें यहाँ पे सबमिट करना है। और कन्फर्म ऑन मैप, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर मैप से भी वो यहाँ पर जो है लोकेशन सेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो मैं इसे यहाँ से सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, तो इसे मैं कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे और ये कंफर्म हो चुका है। तो इसे इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसके बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है और नीचे पैन कार्ड नंबर को एंटर करना है। और यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया है और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भी अपलोड कर दिया है, GSTN, तो ये ऑप्शनल है, तो इसे आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी है, फर्स्ट ऑप्शन पे हमें बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे हमने जो है बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड को एंटर कर दिया है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स शो हो रही है जो कि हमने अभी तक सबमिट की, और यहाँ पे हम लास्ट में सबमिट में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमारा बिजनेस अकाउंट जो है रिव्यू के लिए चले गया है, तो 1 से 2 घंटे में ये रिव्यू हो जाएगा। और यहाँ पे हम मेन मेन्यू में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट QR कोड देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस QR कोड को आप अपने फ़ोन में सेव करके अपनी शॉप पे प्रिंट करके लगा सकते हैं और किसी भी कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और अपने फ्रेंड में भी आप इसको शेयर करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं योर फ्री प्रिंटेड QR कोड विल डिस्पैच टू, और यहाँ पे मेरा एड्रेस दिया हुआ है, तो मैं इस पर जो है कंफर्म कर दूंगा और यहाँ पे जो है मेरा QR कोड जो है वो मेरे इस एड्रेस पे जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो मैं इसमें कंफर्म एंड सेंड पे क्लिक करूँगा और जो मेरा प्रिंटेड QR कोड है वो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे को रिसीव हो जाएगा कुछ दिन में।
और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग के लिए है, तो यहाँ पे आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट मेथड सेटिंग यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे जो चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे सेटिंग है जो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैक हो जाऊँगा और सपोर्ट में यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट में यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी हेल्प आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है कस्टमर बैलेंस के लिए, तो इस पे क्लिक करके आप अपने सारे कस्टमर का बैलेंस देख सकते हैं, जितना भी आपको रिसीव हुआ वो सब बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो बाय बाय दोस्तों।